जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में टिप टॉप में। आज बहुत ही बड़ी यहाँ पर जानकारी जो खबर है निकल कर आ रही है कि MP पुलिस की भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। तो इससे संबंधित सभी सूचनाएं आपके लिए हम यहाँ पर बताएंगे कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, अंतिम डेट क्या है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार की और वीडियो की जानकारी आपके यहाँ सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षित संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि है, तो आमंत्रित करने की जो तिथि है तो वह कब से, 24/12/2020, 24/12/2020 याद रखना है आपके लिए। यह ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि है। और यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की संख्या, जो भरे जाने की तिथि है यहाँ पर वह कब है, वह है अंतिम तिथि है, जो अंतिम तिथि है 7/1/2021, यानी कि 7 जनवरी 2021 यह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि है। और इसमें सुधार यानी कि आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की जो अंतिम तिथि है, आप आवेदन में जो है सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो इसकी जो अंतिम तिथि है वह 12 फरवरी 2021 है यहाँ पर। और परीक्षा की तिथि यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर परीक्षा की तिथि, तो जो परीक्षा की तिथि है वह क्या है, वह है आपके यहाँ पर 6/3/2021 से प्रारंभ, 6/3/2021 से यहाँ पर जो है परीक्षा यहाँ पर प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, विभागीय नियम एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका की प्रकाशन जो संभावन तिथि है वह है आपकी 25/11/2020। और ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि है आपकी यहाँ पर कब से है, 24/12/2020। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि है 7/1/2021। आवेदन पत्र संशोधित किए जाने की अंतिम तिथि है 12/1/2021। परीक्षा की तिथि है 6/3/2021। तो इस प्रकार यहाँ पर और जानकारी क्या है कि उपरोक्त समस्त तिथियां पूर्णतः संभावित हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या देखिए यहाँ पर जो है वह कितने हैं, 4000। 4000 यहाँ पर आपके लिए पद दिए गए हैं जिसमें परिवर्तन संभव है। और यहाँ पर देखिए, पदों की विस्तृत जानकारी एवं आयु सीमा संबंधी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक जो वेबसाइट है www.pebmpgovernmentin.in पर आप यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है विस्तृत जानकारी यहाँ पर। और देखिए, विभाग से प्राप्त है यहाँ पर मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संख्या इस प्रकार दी गई है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर देखिए, पूरी जानकारी इस प्रकार आपके लिए यहाँ पर दी गई है। और नीचे देखिए क्या है, नीचे यहाँ पर आयु, यहाँ पर देखिए आयु सीमा, आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। भर्तीधारी पदों हेतु आयु सीमा का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जाएगा। यह है आयु सीमा जो शासन द्वारा भर्तीधारी पदों हेतु निर्धारित की जाएगी, उस आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों को भर्तीधारी पदों पर हेतु पात्र माना जाएगा। आयु सीमा में अधिकतम छूट है यहाँ पर देखिए क्या है, सभी पदों के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा वर्ष यहाँ पर देखिए क्या छूट है, महिला पुरुष, महिला आवेदक है यहाँ पर, महिला आवेदक के अनारक्षित वर्ग और पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग 18 से 33, और आरक्षित श्रेणी पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग 18 से 38, और शासकीय नियम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक। प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में कितने वो मिलने वाली जो छूट है वह विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्च आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यहाँ पर। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा है, तो PDF भी आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आपके लिए, 4000 यहाँ पर पद दिए गए हैं पुलिस के लिए, और अंतिम तिथि जो है यहाँ पर वह है कब है, 7/1/2021। तो इस प्रकार यहाँ पर व्यापम द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी MP पुलिस के लिए। तो अब आप अपनी तैयारी के लिए यहाँ से अब डट जाइए,
क्योंकि अब यहाँ से आपकी एमपी पुलिस की जो भर्ती है वह निकल चुकी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। तो ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।